वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर एपिसोड। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ऐसे बहुत ही कमाल के मोबाइल वीडियोग्राफी और एडिटिंग टिप्स करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं। सो आज के एपिसोड में हम लोग वीडियो में VFX कैसे ऐड करते हैं, ग्रीन स्क्रीन कैसे ऐड करते हैं और ग्रीन स्क्रीन में एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, आज सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग के वीडियो में आपने देखा कि उसमें फ्लाइंग इफेक्ट ऐड किया था और दोस्तों ग्रीन स्क्रीन कैसे लगाना है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ये ले लो। तो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन को कैसे फुल्ली रिमूव करना है और सुपर पावर इफेक्ट वाली वीडियो जो स्टार्टिंग में देखा कैसे शूट करना है और एडिट करना है, सब आज के ट्यूटोरियल में आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी ग्रीन स्क्रीन PNG बैकग्राउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर ऑडियो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना सिंपली। और हाँ दोस्तों काइनमास्टर के मोड वर्जन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे ये वीडियो आ रहा होगा। और कोई भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्रीमियम एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें वीडियो को शूट कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूं। तो आपको सिंपली कुछ इस टाइप से वीडियो को शूट कर लेनी है। सबसे पहले वीडियो में हमें कुछ इस टाइप से एक्टिंग करनी है। फर्स्ट कैरेक्टर को थोड़ा सा दूर जाना है और वहां पे जंप लगाना है और फ्लाई करने की एक्टिंग करनी है। तो दूसरा कैरेक्टर होगा वो चौंक जाएगा और चौंक के नीचे जमीन पे गिर जाएगा। और दोस्तों दूसरी वीडियो को हमें सभी कैरेक्टर को हटा के खाली फ्रेम शूट कर लेनी है। तो अब बारी आती वीडियो एडिटिंग की। तो सबसे पहले हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है और सारे वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है टाइमलाइन में। वीडियो इंपोर्ट हो जाने के बाद सिंपली सभी वीडियोस का ऑडियो म्यूट कर लेना है और दोस्तों हमें वहां पे चले जाना है जहां पे कैरेक्टर जंप करता है। तो यहां पे फ्लाई होने की एक्टिंग करता है, वहां पे हमें स्प्लिट क्लिक कर लेना है। स्प्लिट हो जाने के बाद यहां पे कैप्चर एंड सेव पे सिलेक्ट करके हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस स्क्रीनशॉट को हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हमें remove.bg वाली वेबसाइट पे जाके सिंपली बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। अगर आपको ये वेबसाइट का नहीं पता तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, हमने सब डिटेल्स दे के रखी है। तो दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद लेयर में जाके इस फोटो को इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट हो जाने के बाद हमें क्रॉप कर लेना है, जो कैरेक्टर फ्लाई करता है उसी को रखना है। और यहाँ पे हमें ये वाला जो दूसरा वाला वीडियो है तो उसका हमें डुप्लीकेट एज ए लेयर पे क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों हमें जो खाली फ्रेम वाला वीडियो है उसको सेकंड नंबर पे ले आना है और डुप्लीकेट वीडियो को सेकंड नंबर के वीडियो के लेयर पे डाल देना है। डुप्लीकेट वीडियो लेयर को हमें परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है स्क्रीन पे और दोस्तों उसको क्रॉप कर लेना है अच्छे से। क्रॉपिंग अनेबल करके हमें सेकेंड वाला कैरेक्टर है उसको सिर्फ रखना है और जो खाली फ्रेम वाला वीडियो है उसके वीडियो लेयर के जितना रख देना है, बाकी का ट्रिम कर लेना है। तो दोस्तों अब जो सेकेंड कैरेक्टर का वीडियो लेयर है उसका हमें एडजस्टमेंट करना है, इसका कलर ग्रेडिंग कर लेना है अच्छे से, ताकि आपके वीडियो का कलर ग्रेडिंग सेट हो जाए और आपका परफेक्ट वीडियो बने। और आपको आपके वीडियो के हिसाब से कलर ग्रेडिंग करनी है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लेना है, फिर सेकेंड कैरेक्टर के लेयर पे क्लिक कर लेना है और क्रॉपिंग में जाके उसका फेदर हमें बढ़ा देना है। फिर दोस्तों आपका वीडियो कुछ इस टाइप से नजर आएगा। तो यार अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो मुझे पता है यार आपको वीडियो जरूर से पसंद आ रही होगी। प्लीज़ यार एक लाइक कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको। तो दोस्तों आपका आधा काम तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, बाकी के फालतू वीडियो क्लिप को हमें डिलीट कर देना है। अब बारी आती है एनिमेशन की। तो इसमें जो कैरेक्टर फ्लाई करता है उस लेयर इमेज को हमें क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनिमेशन कीप के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। तो अब हमें एनिमेशन लगाना है वीडियो के इमेज लेयर पर। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फिर ये इमेज लेयर है उसको आगे बढ़ाना है, मतलब वीडियो को थोड़ा आगे ले जाना है। आगे ले जाओगे इमेज लेयर होता है उसको थोड़ा ऊपर ले जाना है। फिर दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा और आगे लगाना है। आगे बढ़ाने के बाद थोड़ा इमेज को थोड़ा छोटा करके हमें पूरा उड़ा देना है ऊपर। इतना एनिमेशन सिलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये एनिमेशन परफेक्टली सेट नहीं हो पाएगा पहली बार में, तो आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपका परफेक्टली हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों सिंपली लेयर पे सिलेक्ट करना है और मीडिया पे क्लिक करके हमें ग्रीन स्क्रीन को ले आना है और दोस्तों उसको सिलेक्ट करना है और क्रोमा की को अनेबल कर देना है। क्रोमा की अनेबल करोगे तो आपका सारा ग्रीन एरिया निकल जाएगा। फिर दोस्तों उसका कलर एडजस्टमेंट कर लेना है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को बड़ा घटा के आपको एडजस्ट
एडजस्ट कर लेना है आपके वीडियो के हिसाब से। और अब इस ग्रीन स्क्रीन को हमें एडजस्ट कर लेना है परफेक्टली पैर के नीचे। सेट हो जाने के बाद हमें एनिमेशन की पे सिलेक्ट करना है और इसको भी एनिमेशन लगा देना है। वीडियो के टाइमलाइन को थोड़ा आगे ले जाना है, फिर उस ग्रीन स्क्रीन को भी साथ ही साथ पैर में चिपकाते चिपकाते आगे ले जाना है। दोस्तों सेम टू सेम हमें इसका एनिमेशन लगा देना है, थोड़ा और आगे ले जाना है और थोड़ा और ऊपर ले जाना है इस ग्रीन स्क्रीन को। अब यहाँ पे हमारा बूस्टर कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है ऊपर उड़ने के समय, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एनिमेशन में जाके उसको एडजस्ट कर लूँगा। तो जहाँ पे टेढ़ा हो रहा है वहाँ पे हमें एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। तो बराबर हो जाने के बाद आपको सेम टू सेम लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उसी बूस्टर को सिलेक्ट करना है और आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके सिंपली आपको वापस से एनिमेशन लगा के दोनों पैर का कर देना है बूस्टर। तो अब हमें लगाना है डस्ट इफेक्ट को, सिंपली इसको ले आना है लेयर में और एडजस्ट कर लेना है कोई अच्छी सी जगह पे। जब आदमी फ्लाई कर जाता है फिर बाद में ये डस्ट आएगा, कुछ इस टाइप से हमें लगा लेना है। तो इसके भी क्रोमा की अनेबल कर देनी और ग्रीन स्क्रीन निकाल देना है। फिर दोस्तों इसका एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेना है, आपके वीडियो के हिसाब से आपको सेट करना है, कलर ग्रेडिंग भी कर देनी है ताकि ये रियलिस्टिक लगे। और इसके अल्फा ओपेसिटी को हमें 50% तक रख लेना है। फिर हमें इसको जितना तक रखना है उतना रख के हमें बाकी का ट्रिम कर देना है और इसका आउट एनिमेशन में जाके आपको फेड लगा देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस टाइप से लगने लगेगा। फिर हमें इंट्रोडक्शन के लिए आउट्रो बनानी है और सेकेंड कैरेक्टर के ऊपर आउटलाइन लगानी है। तो इसके लिए हमें इसका कैप्चर इमेज कर देना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें वापस से सेम टू सेम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। फिर इस बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपको पिक्सआर्ट को ओपन कर देना है। पिक्सआर्ट में जाके हमें आउटलाइन लगानी है फ़ोटो के ऊपर, तो जो भी कैरेक्टर है उसके ऊपर आउटलाइन लगानी है। आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो आउटलाइन के लिए, मैं यहाँ पे वाइट कलर चूज़ करता हूँ। फिर दोस्तों आउटलाइन वाली फ़ोटो को ले आनी काइन मास्टर में और यहाँ पे हमें एडजस्ट कर देना है परफेक्टली। फिर दोस्तों आउटलाइन वाली फ़ोटो है उसके बाद हमें एक बैकग्राउंड डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला है। फिर दोस्तों ये आउटलाइन वाली फ़ोटो को एनिमेशन ऐड कर देना है, थोड़ा जूम इन इफेक्ट रखना चाहिए और इंट्रोडक्शन हो रहा है वैसा लग के हमें एडजस्ट कर देना है। फिर दोस्तों हमें लेयर में जाना है और टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर की लिंक दी है उस काइनमास्टर में मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट डाल के रखे जो कि बहुत मस्त मस्त है। आप सिंपली काइनमास्टर को डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट अंदर नजर आने लगेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें कोई भी PNG को डाल देना है ताकि आपका वीडियो अच्छा दिखे। तो यहाँ पे आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और फुल्ली हाई बिट रेट पे एक्सपोर्ट करना है, तभी आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी वीडियो की। अगर आपके काइनमास्टर में नहीं है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है लेटेस्ट वर्जन है काइनमास्टर का, 1440p पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती या थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।